हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी ब्लॉग। आज मैं आपको आइसक्रीम के बारे में बताऊंगी, हम आम की आइसक्रीम किस तरह बनाते हैं। ये 1 किलो दूध लिया है फ्रेंड्स, हमने फुल फैट क्रीम लिया है। फुल फैट क्रीम दूध जो था होता है, पैकेट वाला दूध हमने लिया है ये वाला। इसकी हम आइसक्रीम बनाएंगे। हमने ये दूध उबलने के लिए रख दिया है। दूध हमें थोड़ा गाढ़ा करना है फ्रेंड्स, हमें इसका दूध का आधा बना लें। फ्रेंड्स, दूध में उबाल आ गया है। हम इसमें एक बाउल चीनी, वैसे तो आम मीठे होते हैं उसमें कम ही चीनी पड़ती है, पर आइसक्रीम में थोड़ी हमें ज़्यादा चीनी की ज़रूरत है, तो हम इसमें एक बाउल हाफ बाउल चीनी डाल दी है। हमने चीनी डाल के हम इसे पका लेके थोड़ा सा ही हमारी गाढ़ा हो जाएगा। फ्रेंड्स, हमने आम का पल्प बना के रख लिया है, इसमें जरा भी लंग्स नहीं है। फ्रेंड, दशहरी आम खाने में बहुत मीठा होता है, इस आम का टेस्ट बहुत अच्छा होता है, इसलिए हमें इसी आम से आइसक्रीम बनानी चाहिए। फ्रेंड्स देखिए, ये दूध हमारा कितना गाढ़ा हो गया है। अब हमारा इसमें हमने चीनी भी डाल दी थी और ये हमारा दूध गाढ़ा हो गया था। अब हम इस गैस की फ्लेम लो कर देते हैं। आप देख सकते हैं दूध हमारा आधा हो गया है। ये मैंगो का पल्प जो हमने 1 किलो आम का मैंगो का पल्प निकाला है, इसे हम दूध में डाल देते हैं। गैस की फ्लेम लो ही रखते हैं और इसे हम अच्छे से चला लेंगे। इसमें एक भी लंग्स ना रहना चाहिए फ्रेंड्स, इसे अच्छे से चलाना है। तो सारे लंग्स निकाल कर हम इसे चला लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, हमने इसकी सहायता से इसको चला कर सारे लंग्स निकाल लिए हैं। फ्रेंड्स, इसमें इलायची बिल्कुल नहीं डाली है हमने, ये खाली आम और दूध से बना है, इसलिए आम का फ्लेवर सही आया, इसलिए इलायची का इस्तेमाल नहीं करेंगे। फ्रेंड्स, दशहरी आम का सीज़न है, आम के सीज़न में आप इसे ज़रूर बनाएं। दशहरी आम के टेस्ट से ये बहुत अच्छी बनती है। वैसे तो किसी भी आम से हम इसे बना सकते हैं, परंतु दशहरी आम से इसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा होता है। देखिए फ्रेंड्स, ये कितनी गाढ़ी हो गई है। कुछ ही मिनटों में हमारी ये बनके तैयार हो जाएगी। फिर इसे ठंडा करके हम इसे जमाने के लिए रख देंगे। हमारी ये बहुत गाढ़ी हो गई है, खाने में बहुत टेस्टी लगेगी। बच्चे इसे खाकर बहुत खुश होते हैं फ्रेंड्स। आइसक्रीम तो वैसे ही बच्चों को बहुत पसंद है, किसी भी रूप में मिल जाए बच्चों को आइसक्रीम, और घर की बनी हुई, मम्मी के हाथ की बनी हुई आइसक्रीम, दादी माँ के हाथ की बनी हुई आइसक्रीम तो बच्चों को बहुत पसंद आती है। फ्रेंड्स, इसमें फटका पड़ने लगा है, अब इसे हम बंद कर देंगे। फ्रेंड्स, ये हमारी आइसक्रीम ठंडी हो चुकी है, इसका आइसक्रीम का बैटर हम इसे ग्राइंडर में निकाल कर, मिक्सर जार में निकाल कर इसे हम चला के और जमा देंगे। थोड़ा आधी ही जमने के बाद हम इसे दोबारा चलाएंगे। फिर इसे हम जार में, इसमें प्लेट में पलट देते हैं और ये हमारी जमने के लिए तैयार हो गई है। हमने फ्रेंड्स इसे चला लिया है। इसे हम आधी जमने के बाद में फिर दोबारा से इसको हम चलाएंगे। इसको हम सिल्वर फॉइल से अच्छे से लपेट देते हैं, जिससे हमारा इसमें बर्फ ना हो। फ्रेंड्स, ये हमारे फ्रीज़र में रखने के लिए बिल्कुल तैयार हो गई है। इसे हम फ्रीज़र में रख देंगे। फ्रेंड्स, ये हमारी आधी जम गई है, हमने इसको निकाल लिया है। अब इसे हम मिक्सर जार में डाल के दोबारा से चला लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, हमारी ये अब अच्छे से जम चुकी है। देखिए ये कितनी सुंदर बनकर तैयार हो गई है। देखिए फ्रेंड्स, बहुत अच्छी बनी है। अब इसे हम कट कर लेते हैं। फ्रेंड्स देखिए, ये कटने में भी कितनी बढ़िया कट रही है। हम इसे मनचाहे पीसों में काट सकते हैं। खाने में बहुत टेस्टी होती है। फ्रेंड्स, आपको अगर ये मेरी वीडियो पसंद आई हो
तो आप मेरी वीडियो को लाइक शेयर करें और मेरे चैनल हैप्पी ब्लॉग को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स, धन्यवाद। देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी निकल गई है। आप देख सकते हैं हमारी आइसक्रीम ये कितनी सुंदर बनकर तैयार हुई है। इसके ऊपर हमने ये बादाम लगा दिया था, खाने के लिए हमारी बिल्कुल तैयार है। आप इसे बनाएं, खाएं और खिलाएं और अपने अनुभव हमारे साथ शेयर करें।